राष्ट्रीय हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल प्लाजा पर टोल वसूलने में आने वाली परेशानी को दूर करने के लिए नया इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम लागू किया है, जिसे फास्टैग कहते हैं। फास्टैग स्कीम 2014 में देश में लागू हो गई थी कई जगहों पर, और अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। फास्टैग से टोल प्लाजा पर बिना रुके टोल का भुगतान हो सकेगा। इसके लिए वाहन पर फास्टैग लगाना होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फास्टैग कैसे काम करेगा तो हम आपको बताते हैं। फास्टैग में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन लगा होता है। जब वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है तब टोल प्लाजा पर लगा सेंसर वाहन पर लगे फास्टैग के संपर्क में आता है और वाहन के फास्टैग अकाउंट से लगने वाला टोल काट लेता है। इससे वाहनों को रुकना नहीं पड़ता। फास्टैग प्रीपेड अकाउंट से कनेक्ट होता है और इसका बैलेंस खत्म होने पर आप इसमें फिर से रिचार्ज भी करवा सकते हैं। इस फास्टैग की वैधता 5 साल की होती है। फास्टैग अकाउंट को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, RTGS, नेट बैंकिंग के माध्यम से रिचार्ज किया जा सकता है। फास्टैग खाते के रिचार्ज की लिमिट 100 रुपये से 1 लाख रुपये तक है। फास्टैग स्टिकर और फास्टैग अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप किसी भी पॉइंट ऑफ सेल पर जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अभी पॉइंट ऑफ सेल यानी POS के अंदर HDFC और एक्सिस बैंक ही आते हैं, लेकिन जल्द ही इसमें SBI, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, ICICI बैंक, पेटीएम, करूर व्यास बैंक भी शामिल हो जाएंगे। फास्टैग बनवाने के लिए आपको जरूरी दस्तावेजों में वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र, वाहन मालिक की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वाहन मालिक के KYC दस्तावेज़ और वाहन मालिक के वो दस्तावेज जिन पर स्थायी पता हो, इनकी ज़रूरत होगी। फास्टैग लागू होने से कई फायदे होंगे। फास्टैग लागू होने से टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइन, खुले पैसों की समस्या के साथ समय की बचत होगी और वाहनों की कतार में खड़े रहने के दौरान लगने वाले पेट्रोल डीजल की भी बचत होगी। साथ ही फास्टैग यूज़ करने वालों को 2019-20 में 2.5% कैशबैक भी मिलेगा। अब तक फास्टैग देश के चुनिंदा शहरों में लागू है और सड़क परिवहन मंत्रालय जल्द ही इसे पूरे देश में लागू करने जा रहा है। जब भी आप फास्टैग लगे वाहन के साथ टोल प्लाजा को पार करेंगे, आपके फास्टैग के जरिए टोल कट जाएगा और आपके पास SMS से सूचना आ जाएगी कि आपके फास्टैग अकाउंट से कितनी राशि काटी गई है। वैसे तो फास्टैग का ये सिस्टम 2014 में अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर शुरू कर दिया गया था और इसके बाद ये सेवा 2015 में चेन्नई बेंगलुरु हाईवे पर भी शुरू हो गई थी। अब 1 दिसंबर 2019 से फास्टैग सभी प्रकार के 4 पहिया वाहनों पर आवश्यक कर दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी वाहन निर्माताओं, डीलरों और वाहन मालिकों को फास्टैग का उपयोग अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.